नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों ये देखिए हमारा ITI का ऑफिशियल पेपर है, ठीक, जो कि एग्जाम हुआ था दोस्तों 9 अगस्त 2022 में। ठीक, तो 9 अगस्त 2022 की ऑफिशियल पेपर है। तो ये जो ट्रेड है दोस्तों कारपेंटर ट्रेड वालों का है, ठीक, जिनका कि ITI 1 साल का होता है, तो उन्हीं लोगों के लिए है दोस्तों। तो देखिए कारपेंटर ट्रेड में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका मैं पहले यहाँ पर देखिए इसमें जो पूछा गया है 38 क्वेश्चन दोस्तों, ये है ट्रेड थ्योरी का। 6 क्वेश्चन है ये आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का, और 6 क्वेश्चन है यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का, ठीक। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 25 क्वेश्चन जो है आपका, ये है आपका इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, ठीक। तो यही है दोस्तों इसका यहाँ पर पैटर्न। तो आइए इन सभी के बारे में दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है ट्रेड थ्योरी का है, जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहे हैं, इसे हम थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। तो ट्रेड थ्योरी में दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ रूल इज यूज्ड बाय द पैटर्न मेकर, पैटर्न निर्माता द्वारा किस प्रकार का रूल उपयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों पैटर्न निर्माता के द्वारा दोस्तों जो रूल तैयार किया जाता है या उपयोग किया जाता है वो रहता है कंस्ट्रक्शन स्टील रूल। तो कंस्ट्रक्शन स्टील रूल यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों अगर आप लोग ITI के एग्जाम देने जा रहे हैं कारपेंटर का, तो आप लोगों के लिए वीडियो काफी हेल्पफुल होगा। और जिनको PDF चाहिए दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर जो लिखा है objectivecenter.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको इसको सर्च करना है। और यहाँ पर दोस्तों ITI एग्जाम के एक सेक्शन देखिएगा, वहां पर जाके आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, कोई भी पैसा आपको नहीं लगेगा, ठीक। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाट इज द यूज फ्लोर स्प्रिंग हाइड्रोलिकली रेगुलेटेड इन एल्युमिनियम डोर, एल्युमिनियम के दरवाजे में उपयोग फ्लोर स्प्रिंग हाइड्रोलिक रूप से विनियमित का उपयोग क्या है। तो दोस्तों इसका जो उपयोग होता है कि एल्युमिनियम के दरवाजे में उपयोग फ्लोर स्प्रिंग का जो उपयोग होता है, इसको हम लोग करते हैं दरवाजे को बंद करने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेलेक्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्लोज द डोर, दरवाजा को बंद करना। देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है, विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग मेटल, मैलेट, यानी कि दोस्तों जो मैलेट होता है ये किस सामग्री का उपयोग किया। तो मैलेट हथौड़ा जो होता है, ठीक, लकड़ी का बना होता है, तो यहाँ पर हार्डवुड यानी कि लकड़ी का बनाया जाता है मैलेट, ठीक। शीट मेटल में इसका ज्यादातर यूज करते हैं हम लोग। अब देखिए चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं कि विच फर्नीचर इज यूज्ड फॉर लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के लिए किस फर्नीचर का उपयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों लाइब्रेरी के लिए जो फर्नीचर यूज किया जाता है वो रहता है बुक सेल्फ, ठीक। तो यानी कि पुस्तक अलमारियों, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं कि विच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक हार्डबोर्ड, हार्डबोर्ड बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों हार्डबोर्ड बनाने के लिए जो सामग्री यूज करते हैं वो रहते हैं ब्रेकिंग वुड चिप्स, तो लकड़ी के चिप्स को तोड़ना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हार्डबोर्ड बनाने के लिए हम लोग लकड़ी के चिप्स को तोड़ने का उपयोग करते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर छठा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोमेंट फॉर द पॉलिश सेकेंड कोट, तो पॉलिश की दूसरे कोट का मूवमेंट क्या होता है। तो देखिए पॉलिश के दूसरे कोट का जो मूवमेंट होता है दोस्तों वह सर्कुलर मोशन होता है, ठीक। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सर्कुलर मोशन हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी वाला करेक्ट होगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सर्कुलर मोशन। सातवां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं कि व्हाट इज द साइज ऑफ ओपनिंग फॉर डिजाइनिंग एक्शन 6WS12 फॉर विंडो, खिड़की के लिए डिजाइन कार्रवाई 6WS12 के लिए खुलने का साइज क्या होता है। तो होता है दोस्तों 600×1200, ठीक। आठवां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, व्हाट इज द पार्ट मार्क एज द एक्स, यहाँ पर दोस्तों देखिए ये जो एक्स पार्ट दिखाया गया है ये एक्स भाग किसको दर्शाता है। तो दोस्तों ये जो एक्स भाग है दोस्तों ये हमारा कहलाता है सा गाइड, ठीक, तो सा गाइड है ये। अब देखिए नौवां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, व्हाट इज द पार्ट मार्क एज एक्स इन पोर्टेबल पावर सर्कुलर सा मशीन, जो दोस्तों आपको चित्र में पोर्टेबल पावर सर्कुलर सा मशीन दिखाया गया है, इसमें ये जो एक्स पार्ट है ये क्या कहलाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो एक्स पार्ट है ये हमारा आर्बर होता है, ठीक, तो आर्बर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए दसवां क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ फेंस इन
सरफेस प्लानिंग मशीन। तो सरफेस प्लेनिंग मशीन में दोस्तों फिन्स का क्या लाभ है? तो देखिए, सरफेस प्लेनिंग मशीन में दोस्तों जो फिन्स का लाभ होता रहता है कि यूज्ड एज ए गाइड, एक गाइड के रूप में उपयोग किया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ स्ट्रिंकिंग पोर्शन ऑफ हैमर, हथौड़े के प्रहार वाले भाग का नाम क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, हथौड़े के प्रहार वाले भाग का जो नाम होता है दोस्तों वो रहता है फेस। तो यहाँ पर फेस करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, विच मशीन इज यूज टू शार्पन सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को तेज करने के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को तेज करने के लिए जो हम लोग मशीन यूज करते हैं वह पेडेस्टल ग्राइंडर रहता है। तो पेडेस्टल ग्राइंडर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि विच स्क्रू हैज टू स्लॉट एट राइट एंगल, किस स्क्रू में समकोण पर 2 स्लॉट होते हैं? तो देखिए दोस्तों, जिस स्क्रू में समकोण पर 2 स्लॉट होते हैं वो रहता है फिलिप्स हेड स्क्रू। तो फिलिप्स हेड स्क्रू यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ फाइबर ग्लास, फाइबर ग्लास का लाभ क्या होता है? फाइबर ग्लास का दोस्तों जो लाभ रहता है वो रहता है एक्सीलेंट इंसुलेटर, यानी कि क्या फाइबर ग्लास जो होता है वह बहुत अच्छा इंसुलेटर होता है। तो एक्सीलेंट इंसुलेटर बहुत बढ़िया इंसुलेटर है फाइबर ग्लास। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, 15 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि विच फ्लोर स्प्रिंग इज सुटेबल फॉर यूज ऑन क्लॉकवाइज ऑफ एल्युमिनियम डोर, एल्युमिनियम के दरवाजे के लिए दक्षिणावर्त पर उपयोग के लिए कौन सा फ्लोर स्प्रिंग उपयुक्त है? जिसके लिए दोस्तों जो उपयुक्त है वो है दोस्तों लेफ्ट हैंड फ्लोर स्प्रिंग। तो लेफ्ट हैंड फ्लोर स्प्रिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पार्ट मार्क एज द एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर जो एक्स पार्ट दिखाया गया है ये है दोस्तों हमारा सैप वुड। तो सैप वुड दोस्तों यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सैप वुड। 17 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ ज्वाइंटर प्लेनर, ज्वाइंटर प्लेनर का उपयोग क्या है? तो दोस्तों देखिए, ज्वाइंटर प्लेनर का जो उपयोग रहता है ये रहता है कि प्लानिंग टू सरफेस, यानी कि सतह की योजना। तो प्लानिंग टू सरफेस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्शन इन सर्कुलर सा मशीन, चित्र में दोस्तों ये जो सर्कुलर सा मशीन दिखाया गया है इसका कौन सा ऑपरेशन है ये? तो ये दोस्तों रिपीटिंग, तो रिपीटिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, विच ट्री हैज शॉर्ट ट्रंक एंड लार्ज ब्रांचेज, किस पेड़ में छोटा तना और बड़ी शाखाएं होती हैं? तो ये रहता है दोस्तों हमारा सीसम। तो सीसम जो रहता है दोस्तों इसमें पेड़ में छोटा तना और बड़ी शाखाएं होती हैं। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द पार्ट मार्क एज एक्स इन थिकनेस प्लेनर, थिकनेस प्लेनर यहाँ पर एक्स पार्ट में जो थिकनेस है प्लेनर में एक्स रूप में चिन्हित भाग क्या है? तो देखिए थिकनेस प्लेनर में ये जो एक्स भाग है ये हमारा कहलाता है टेबल एलिवेटिंग स्क्रू। तो टेबल एलिवेटिंग स्क्रू यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, विच कैन बी इजिली वर्ड एंड बेंट फॉर शार्प एंड डिजाइन, किस पर आसानी से कार्य किया जा सकता है और आकार और डिजाइन के लिए मुड़ा जा सकता है? तो ये रहता है दोस्तों हम लोगों का प्लाईवुड। ठीक, तो प्लाईवुड यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ज्वाइंट मार्क एज एक्स इन ड्रावर, यानी कि ड्रावर में एक्स के रूप में चिन्हित संयुक्त का नाम क्या है? तो देखिए एक्स के रूप में चिन्हित ड्रावर के ये जो नाम है दोस्तों ये हमारा कहलाता है हाउसिंग। ठीक, तो हाउसिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज टर्म्ड एज द इंक्लिनेशन ऑफ रूफ, छत के झुकाव को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों देखिए, छत के झुकाव को जो कहा जाता है वो कहा जाता है पिच। तो छत के झुकाव को हम लोग पिच कहते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ वुड अवॉइड इन थिकनेस प्लेनर, यानी कि थिकनेस प्लेनर में किस प्रकार की लकड़ी से बचा जाता है? तो देखिए थिकनेस प्लेनर में जिस प्रकार की लकड़ी से बचा जाता है दोस्तों वो रहता है वार्पेड एंड ट्विस्टेड टिम्बर। तो वार्पेड एंड ट्विस्टेड टिम्बर यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, विकृत और मुड़ा हुआ टिम्बर। तो विकृत और मुड़े हुए टिम्बर से दोस्तों हम लोग थिकनेस प्लेनर में बचना चाहिए। 25 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द पार्ट मार्क एक्स इन द प्लेनर, ये जो प्लेनर है इसमें ये जो दोस्तों एक्स पार्ट दिखाया गया है ये हमारा क्या है एक्स पार्ट? तो दोस्तों ये जो एक्स पार्ट है ये हमारा कहलाता है कटर हेड। ठीक, तो कटर हेड दोस्तों यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ प्रीमिंग या प्राइमिंग। तो प्राइमिंग का फायदा क्या है? तो प्राइमिंग का फायदा दोस्तों यह रहता है कि इंक्रीज पेंट ड्यूरेबिलिटी, यानी कि जो पेंट की अस्थायित्व होता है उसी को बढ़ाना होता है प्राइमिंग का फायदा। विच टाइप ऑफ ग्रेन ऑन वुड इज सुटेबल फॉर फर्नीचर, यानी कि फर्नीचर के लिए लकड़ी पर किस प्रकार का ग्रेन उपयुक्त होता है। तो देखिए फर्नीचर के लिए लकड़ी पर जिस प्रकार का ग्रेन उपयुक्त होता है वो रहता है स्ट्रेट ग्रेन। तो स्ट्रेट ग्रेन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, 28 नंबर क्वेश्चन है, वेयर द स्क्रू आर ड्रिवन इन ए बेवल स्कार्प ज्वाइंट। बेवल स्कार्प ज्वाइंट में स्क्रू कहाँ पर चलाया जाता है? तो देखिए बेवल स्कार्प ज्वाइंट में स्क्रू जो चलाया जाता है वह टॉप एंड बॉटम सरफेस पर चलाया जाता है। तो टॉप एंड बॉटम सरफेस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, और 29 नंबर क्वेश्चन है, विच पैटर्न इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेल शेप्ड कास्टिंग, यानी कि घंटी के आकार की कास्टिंग बनाने के लिए किस पैटर्न का उपयोग किया जाता है? तो देखिए घंटी के आकार की जो कास्टिंग बनाने के लिए हम लोग जो पैटर्न यूज करते हैं वह स्वीप पैटर्न रहता है। तो स्वीप पैटर्न यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन है, विच साइज ऑफ पिच इज प्रोवाइडेड इन द चैन मोर्टाइज फॉर लार्ज होल, यानी कि बड़े छिद्रों के लिए चैन मोर्टाइजर या मोर्टाइजर में पिच का कौन सा साइज प्रदान किया जाता है? तो देखिए दोस्तों जो चैन मोर्टाइजर रहता है इसमें बड़े छिद्रों के लिए दोस्तों जो साइज प्रदान किया जाता है वह 22 mm प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर 22 mm करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ वुडन पार्टीशन, यानी कि वुडन पार्टीशन का क्या फायदा होता है? तो देखिए वुडन पार्टीशन का जो फायदा रहता है वो रहता है क्विक कंस्ट्रक्टेड, यानी कि त्वरित निर्माण, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द इजी मेथड टू असेंबल पीवीसी डोर, पीवीसी दरवाजे को जोड़ने की आसान विधि क्या है? तो देखिए पीवीसी दरवाजे को जोड़ने की जो आसान विधि है वो है कटिंग एंड ज्वाइनिंग क्विकली। ठीक, यानी कि काटना और जल्दी जोड़ना होता है पीवीसी दरवाजे की सबसे आसान विधि। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 33 नंबर क्वेश्चन है, विच ट्री ग्रोज न्यू लेयर ऑन द आउटसाइड ऑफ द ट्रंक, यानी कि ट्रंक के बाहर किस पेड़ पर नई परतें उगती हैं? तो ट्रंक के बाहर दोस्तों जो बहिर्जात वृक्ष होते हैं उस पर नई परतें उगती हैं। ठीक, तो एक्सोजीनस ट्री यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहिर्जात वृक्ष। 34 नंबर क्वेश्चन है, विच डिटरमाइंस द साइज ऑफ वुड टर्निंग लेथ, वुड टर्निंग लेथ का आकार कौन निर्धारित करता है? तो देखिए वुड टर्निंग लेथ का दोस्तों जो आकार निर्धारित करता है वो करता है डायमीटर ऑफ द स्विंग इन वर्क पीस, यानी कि कारखंड में स्विंग का व्यास, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई टीक वर्ड इज यूज्ड इन फर्नीचर वर्क, फर्नीचर के काम में सागौन की लकड़ी का उपयोग क्यों किया जाता है? तो फर्नीचर के काम में सागौन की लकड़ी का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है हाई डिग्री ऑफ नेचुरल ड्यूरेबिलिटी, यानी कि प्राकृतिक अस्थायित्व का उच्च स्तर, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोजेक्ट हाइट ऑफ डोवेल पिन आफ्टर इंसर्टिंग इन ए डोवेल पिन ज्वाइंट, डोवेल पिन ज्वाइंट में डालने के बाद डोवेल पिन की अनुमानित ऊंचाई कितनी होती है? तो ये जो अनुमानित ऊंचाई होती है दोस्तों हाफ हाइट अपवर्ड होता है, यानी कि आधा, यानी कि 1/2 हाइट अपवर्ड। 37 नंबर क्वेश्चन है, विच इज यूज टू सपोर्ट एंड लोकेट द कोर इन द मोल्ड सैंड या मोल्ड सैंड ड्यूरिंग द कास्टिंग। ठीक, तो मोल्ड सैंड ड्यूरिंग द कास्टिंग, कास्टिंग के दौरान मोल्ड सैंड में कोर को सपोर्ट और लोकेट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए किया जाता है कोर प्रिंट का प्रयोग। ठीक, तो कास्टिंग के दौरान मोल्ड सैंड में कोर को सपोर्ट और लोकेट करने के लिए हम लोग कोर प्रिंट का प्रयोग करते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, और दोस्तों ये ट्रेड थ्योरी का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द चीजल, ये छेनी जो आपको चित्र में दिख रहा है चीजल, इसका नाम क्या है? तो यह दोस्तों पारिंग चीजल या पेरिंग चीजल। ठीक, तो पेरिंग चीजल या पारिंग चीजल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या आ गया, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, यहाँ पर देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस 6 क्वेश्चन, अब आपको इसको देखना है, इसमें देखिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का है दोस्तों,
कि व्हाट डिनोट्स लेटर कैपिटल एम इन एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में कैपिटल एम क्या दर्शाता है? तो एम है दोस्तों मीटर, के है किलोग्राम, एस है सेकंड। अब दोस्तों यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि कन्वर्ट 0.456 डेसिमल फ्रिक्शन इनटू परसेंटेज, 0.456 भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कन्वर्ट 0.456 डेसिमल फ्रिक्शन इनटू परसेंटेज, 0.456 को भिन्न में बदलिए। जब भिन्न में बदलना है, सॉरी दशमलव भिन्न ये दिया है, परसेंटेज में बदलना है तो 100 का गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 45.6% आ जाएगा आपका। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल हैज इट्स पावर ऑफ रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर द अप्लाइड फोर्स इज रिलीज्ड। ठीक, यानी कि धातु की कौन सा गुण बल लगाने पर विरूपित तथा बल हटाने पर वापस अपने पूर्व अवस्था में आने की क्षमता रखता है। तो देखिए दोस्तों अगर कोई धातु है, अगर हम उस पर बल लगा रहे हैं, बल हटाने पर अगर वो अपने पूर्व अवस्था में आ जाता है तो हमारा कहलाता है इलास्टिसिटी। ठीक, यानी कि कोई वस्तु, कोई धातु है, उस पर अगर आप बल लगाएंगे, बल हटा लेंगे तो पुनः अपनी अवस्था में आएगा, तो प्रत्यास्थता। अगर वो अपनी अवस्था में नहीं आ पाता है तो दोस्तों आपका प्लास्टिसिटी यानी कि सुघट्यता होता है। ठीक, चौथा क्वेश्चन यहाँ पर है कि व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 0.01, 0.01 का वर्ग क्या होगा? तो देखिए स्क्वायर पूछा है, तो 0.2 अंक पे, तो 0.4 अंक पे लग जाएगा, तो 0.4 अंक पे लगेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट इज द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर हुज लेंथ एंड विड्थ आर 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है? तो देखिए आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो देखिए आयत का क्षेत्रफल जैसे इसका निकालना है तो इसका देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक कितना है, लंबाई कितना है 10 दिया है, चौड़ाई कितना दिया है 8 दिया है, क्षेत्रफल निकालना है तो 10 × 8 करेंगे तो 10 × 8 = 80 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है विच कास्ट आयरन कैन नॉट बी वेल्डेड इन, कौन सा ढलवा लोहा को वेल्डिंग नहीं किया जा सकता है? तो देखिए दोस्तों जिस ढलवा लोहा को वेल्डिंग नहीं किया जा सकता है वो रहता है व्हाइट कास्ट आयरन, तो व्हाइट कास्ट आयरन को वेल्डिंग वेल्ड नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अब आपका 6 क्वेश्चन जो था वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस वो खत्म होता है। अब 6 क्वेश्चन आपको दोस्तों यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग से देखने को मिलेगा। और इसमें दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल, चित्र में दोस्तों ये जो आपको टूल दिखाया गया है ये किस प्रकार का टूल है इसका नाम आपको बताना है। तो दोस्तों देखिए ये जो है आपका मैलेट है, ठीक है, ये देख रहे हैं लकड़ी का ये है, तो जो लकड़ी का बना रहता है तो उसे हम लोग मैलेट बोलते हैं, तो लकड़ी का हथौड़ा जिसे कि इंग्लिश में हम लोग मैलेट बोलते हैं, मैलेट किसका बना होता है तो लकड़ी का बना होता है। दूसरा क्वेश्चन है विच टाइटल ब्लॉक पोजिशन इज करेक्ट एज स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, एक मानक अभ्यास के रूप में कौन सी शीर्षक ब्लॉक स्थिति सही है? तो ये दोस्तों जो शीर्षक ब्लॉक स्थिति सही है वो सही वाला यही है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है तीसरा कि आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल। अच्छा एक चीज मैं बता दूं दोस्तों यहाँ पर एक चीज देखिएगा, तो टाइटल ब्लॉक होता है ना ये आपका यहाँ साइड में दिया है, तो बाकी ये बॉर्डर है और ये आपका फ्रेम है। ठीक, तो बॉर्डर यहाँ पे है, फ्रेम यहाँ पे, टाइटल ब्लॉक यहाँ पर रहेगा, बाकी यहाँ पर आप लोग ड्राइंग अपना प्लानिंग करते हैं। तो यहाँ पर इसी तरह से दोस्तों ये आपका तो वही है, बाकी यहाँ पर देखिए टाइटल बार एकदम लेफ्ट साइड में ऊपर दिया है जो कि गलत है। आपका दोस्तों जो टाइटल बार होता है यहाँ पर राइट साइड में और बॉटम साइड में होता है, राइट साइड बॉटम साइड, ठीक, तो बॉटम साइड और राइट साइड में होता है आपका टाइटल ब्लॉक, जबकि टाइटल ब्लॉक देखिए बी वाले में आपका ऊपर कर दिया है लेफ्ट साइड में जो कि गलत है, और इसमें देखिए राइट साइड में कर दिया लेकिन ऊपर किया है ये भी गलत हो गया। अब डी में देखिए ये आपका टाइटल बार लेफ्ट साइड में दे दिया इसलिए ये गलत हो गया। आपका टाइटल बार जो होता है दोस्तों आपका टाइटल ब्लॉक जो होता है यहाँ पर रहेगा, ठीक, तो वही वाला आपका सही माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए टाइटल ब्लॉक यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है टाइटल ब्लॉक वाला ये यहाँ पर रहता है, बाकी कहीं पर रहेगा तो टाइटल ब्लॉक आपका नहीं रहता है। टाइटल ब्लॉक में वही दोस्तों हम लोग नाम लिखते हैं
और किस और उस प्रोजेक्ट के बारे में डाल देते हैं कि यहाँ पर उसका नाम क्या है और अपना नाम, ये सब रहता है, कुछ नहीं। आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल, ये दोस्तों जो सिम मटेरियल है क्या है, तो ये दोस्तों जो सिंबल है ये आपका दोस्तों लकड़ी का है, वुड का है। ठीक, अब दोस्तों देखिए पांचवा क्वेश्चन करें कि आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज, इसका यहाँ पर ऊपर का मुख देखिए यहाँ पर किस तरह का है, यह है आपका गोल है, तो यह है दोस्तों आपका बाल, बाल की तरह है, तो बाल की तरह है, तो बाल पिन हैमर है। ठीक, ऊपर जो रहता है इसको हम लोग पिन बोलते हैं, तो बाल पिन हैमर ये हो गया हमारा। अब देखिए छठा क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। ये जो दोस्तों है टूल है, ये दोस्तों हमारा टूल है ट्राई स्क्वायर है, और इसके द्वारा दोस्तों हम लोग क्या करते हैं 90 डिग्री पर देख सकते हैं ये आपका रहता है, तो ट्राई स्क्वायर में कितना एंगल ये बनाता है 90 डिग्री का। अब देखिए समतल इम्प्लॉयबिलिटी स्किल आ गया दोस्तों। इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दोस्तों अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, कितने क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो 6 क्वेश्चन यहाँ पर, सॉरी 6 नहीं, यहाँ पर रहेगा आपका इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का कितना, तो 25 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक, 25 क्वेश्चन देखना है। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज ए रेशियो ऑफ, यानी कि उत्पाद के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। तो देखिए उत्पादन के अनुपात के रूप में जो परिभाषित किया गया है वो रहता है आउटपुट बटा इनपुट, इसी को हम लोग बोलते हैं उत्पादन का अनुपात। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल एडजेक्टिव फॉर द गिवन सेंटेंस, द लिटिल गर्ल इज आइज रिवील्ड हर। तो देखिए यहाँ पर दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त विशेष के साथ रिक्त स्थान भरें। द लिटिल गर्ल यहाँ पर क्या भरा जाएगा, यहाँ पर देखिए भरा जाएगा ट्विंकलिंग। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है द एक्सपेंशन ऑफ डब्ल्यू एन इज, डब्ल्यू एन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डब्ल्यू एन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। चौथा क्वेश्चन है कि पेड फॉर्म ऑफ आइडियाज गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड, विचारों वस्तुओं और सेवाओं के पैड फॉर्म को क्या कहा जाता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापन बोलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन, स्वचालन का क्या फायदा है, तो दोस्तों स्वचालन का जो फायदा है वो है कि रिड्यूस्ड ऑपरेशन टाइम, यानी कि ऑपरेशन का समय कम कर दिया। छठा क्वेश्चन है व्हिच वन इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ द रोल प्लेइंग प्लेइंग, यानी कि भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है, तो देखिए भूमिका निभाने का जो लाभ नहीं है वो है कि डेवलप्स बोरडम, यानी कि बोरियत पैदा करता है। सातवां क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट रिस्पांस फॉर द गिवन क्वेश्चन, हाउ यू हैव बीन, दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर चुनिए, तो हाउ हैव यू बीन मतलब हो जाएगा कि वेरी वेल एंड यू, अगर कोई आपसे कह रहा है कि हाउ हैव यू बीन, तो यहां पर देखिए उत्तर के रूप में क्या हो जाएगा, तो वेरी वेल एंड यू। आठवां क्वेश्चन है इन एसडब्ल्यूओटी एनालिसिस व्हिच पेयर इज हेल्पफुल, एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण में कौन सही जोड़ी है, तो देखिए एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण में जो सही जोड़ी है वह स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी, यानी कि सामर्थ्य अवसर। नौवां क्वेश्चन है व्हेन यू स्पेंड योर रिज्यूम थ्रू ईमेल यू आर स्पेंडिंग इट इन द फॉर्म ऑफ, जब आप अपना बायोडाटा ईमेल के माध्यम से भेजते हैं तो आप उसे किस रूप में भेज रहे हैं, तो अटैचमेंट के रूप में हम लोग फाइल को भेजते हैं बायोडाटा को। दसवां क्वेश्चन है यू विड्रा RS 500 फ्रॉम एन ATM, द ATM मशीन गिव्स आउट RS 5000, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी इथिकली करेक्ट, आप ATM से 500 रुपए निकालते हैं और ATM से 5000 निकल जाता है, तो कौन सी नैतिक सही रूप होगा, तो आप दोस्तों शिकायत दर्ज करेंगे कि मैंने 500 निकाला था 5000 निकल गया, तो आप लोग मेक ए कंप्लेंट, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर प्रोनाउन, तो आई मेड दिस केक, रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम के साथ भरें, तो आई मेड दिस केक यहाँ पर हो जाएगा माई सेल्फ भरा जाएगा। ठीक, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पेंस ए रीजनल नेशनल और ग्लोबल एरिया इज कॉल्ड, कंप्यूटर नेटवर्क जो एक क्षेत्रीय राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र तक फैला होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है वाइड एरिया नेटवर्क, वैन कहा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है व्हेन इज कैपिटल लेटर यूज्ड,
यानी कि जो बड़े अक्षर होते हैं कब प्रयोग किए जाते हैं, तो देखिए जब वाक्य की शुरुआत हो तो भी हम लोग कैपिटल लेटर का यूज करते हैं, किसी व्यक्ति का नाम हो तब भी कैपिटल लेटर यूज करते हैं, किसी स्थान का नाम हो तो भी कैपिटल लेटर का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ऊपर सभी। 14 नंबर क्वेश्चन है, ए प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट्स अदर प्रोग्राम बाय मॉडिफाइंग देम इज कॉल्ड, एक प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित कर उन्हें संक्रमित करता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे हम लोग कहते हैं वायरस, यानी कि कोई प्रोग्राम है और वो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके उसे संक्रमित करता है तो उसे हम लोग वायरस बोल देते हैं। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन है, फॉर स्मार्ट गोल एस स्टैंड्स फॉर, तो स्मार्ट में दोस्तों जो यस होता है इसका क्या मतलब होता है, तो ये रहता है स्पेसिफिक। 16 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर पेस्ट कमांड, पेस्ट कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो पेस्ट कमांड के लिए जो शॉर्टकट कुंजी होता है वो तो रहता है दोस्तों Ctrl+V। 17 नंबर क्वेश्चन है, मनी इन्वेस्टेड इन परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल पेमेंट एंड वेजेज एंड सैलरीज रेंटल इलेक्ट्रिसिटी ETC कम्स अंडर, कच्चे माल की खरीदारी मजदूरी और वेतन किराए बिजली आदि के भुगतान में निवेश किया गया पैसा दोस्तों किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है दोस्तों वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी के अंतर्गत आता है। 18 नंबर क्वेश्चन, ए वायरलेस टेक्नोलॉजी दैट कनेक्ट ए लैपटॉप टू द इंटरनेट इज कॉल्ड, एक वायरलेस तकनीक जो लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ती है उसे हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, वाईफाई। 19 नंबर क्वेश्चन है, द स्टिपेंड्स ऑफ अप्रेंटिसशिप आर बेस्ड ऑन, जो दोस्तों अप्रेंटिसशिप होता है उसका जो वजीफा यानी कि जो पैसे स्टिपेंड मिलता है वो किस पर आधारित होता है, तो शैक्षणिक योग्यता पर आधारित होता है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि सेफ्टी इंक्लूड्स, सुरक्षा में क्या शामिल होता है, तो सुरक्षा में दोस्तों शामिल होते हैं जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखिए कि प्रॉपर हाउसकीपिंग, उचित गृह व्यवस्था और औजारों और उपकरणों का उचित भंडार और संचालन और उपयुक्त PPE का उपयोग, ये सभी जरूरी होते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 21 नंबर क्वेश्चन है, एक्सपेंशन ऑफ SMS इज, SMS का विस्तार क्या होता है, तो ये रहता है शॉर्ट मैसेज सर्विस, ये होता है SMS का फुल फॉर्म। 22 नंबर क्वेश्चन है, द एक्सपेंशन ऑफ रैम इज, रैम का फुल फॉर्म क्या है, तो रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, अब 23 नंबर क्वेश्चन, द मिनिमम एज क्वालिफिकेशन फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इज, प्रशिक्षु प्रशिक्षण प्रशिक्षुता प्रशिक्षण यानी कि अप्रेंटिसशिप के लिए दोस्तों न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए, तो 14 साल पूरा होनी चाहिए। ठीक, कम से कम। 24 नंबर क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन दैट यू गेट थ्रू प्रोबिंग यू विल बी इन ए बेटर पोजीशन टू मेक, जांच के दौरान आपको जो जानकारी मिलती है उसके आधार पर आप किसको बनाने में बेहतर स्थिति होंगे, तो रहेगा प्रॉपर प्रोडक्ट सजेशन, उचित उत्पाद सुझाव। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो यहाँ पर जो objectivecenter.in लिखा है आपको दोस्तों इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर ITI एग्जाम का एक सेक्शन दिखेगा, वहां से जाके अपना ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, प्रीवियस ईयर का पेपर में आप लोग जाके चाहे तो देख सकते हैं। विच वन इज नॉट एन नॉट द सर्टिफाइड ISO स्टैंडर्ड, कौन प्रमाणिक ISO मानक नहीं है, तो ISO जो मानक है वो है 9010। यहाँ पर आपका B आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।